Assalamualaikum and I am doing great and hopefully आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। Welcome to another video। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी सा एक रूम डेकोरेटिव आइडिया बताऊंगी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए कुछ कार्डबोर्ड्स। कार्डबोर्ड आप लेंगे और उसको राउंड शेप में आप उसको कट कर लेंगे, ठीक है। आपको कुछ चाहिए लार्ज साइज में और कुछ चाहिए स्मॉल साइज में। जो लार्ज साइज में कार्डबोर्ड्स हैं वो 5 इंच का है, ठीक है। उसको 5 इंच में आपने राउंड में कट कर लेना है और स्मॉल साइज़ का जो है वो 3 इंचेस का है। उसके बाद आपको चाहिए कुछ इसके लिए चार्ट पेपर्स, वाइट चार्ट पेपर्स आप यूज़ करेंगे। साथ आपको चाहिए कटर, एक गम आप यूज़ करें, गम नहीं है अदरवाइज़ तो आप PHU यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ आपको चाहिए ओमेगा के पोस्टर्स कलर। सबसे पहले हम लोग जो कार्डबोर्ड्स हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से इन पेपर्स को चिपका लेंगे, ठीक है। इनको अच्छी तरह से हम इसको ऊपर चिपकाएंगे। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कार्डबोर्ड्स नहीं हैं तो आप उसको डायरेक्ट पेपर पे भी बना सकते हैं, लेकिन कार्डबोर्ड पे ये है कि ये ज़्यादा नीट बनता है। उसके बाद हम इसी तरह इसके ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह से स्टिक गम। लगाने के बाद हम इसके ऊपर कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से रखकर प्रेस करेंगे और कटर से इसको कट कर देंगे। और ये एक बहुत अच्छा रूम डेकोरेशन के लिए एक आइडिया है जो आप अपने रूम में इजीली बना सकते हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से इसके ऊपर आप गम लगाएं। अच्छी तरह से गम लगाने के बाद आप इसको वाइट चार्ट के ऊपर अच्छी तरह से चिपका दें। वैसे तो आप इसको किसी भी कार्ड के ऊपर राउंड शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, लेकिन अब कार्ड नहीं है तो आप इसको जो है वो पेपर पे बना लें, नहीं तो पेपर डबल करके बना लें, ठीक है। लेकिन भी कार्डबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो ऑयल पेंट्स थे और वाटर तो पोस्टर कलर, तो सो मैंने कहा कि मैं पोस्टर कलर यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैंने इनके ऊपर जो है वो पेपर लगाया है। अगर आपके पास एक्रेलिक पेंट्स हैं तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो पेंट यूज़ कर सकते हैं। ऑयल पेंट का ये है कि वो इसके ऊपर ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होता, सो इस वजह से मैंने इसके ऊपर पोस्टर कलर का इस्तेमाल किया है। नीट तरीके से आप इसके ऊपर उनको चिपका लें पेपर को और फिर आप इसको कटर से कट कर दें। देख सकते हैं कि हमने नीट तरीके से जो है वो कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर को चिपका लिया है। ये हमारे सारे जो हैं वो सर्कल्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर डिफरेंट शेप के जो है वो इमोजीज ड्रॉ करेंगे और देन हम इसमें करेंगे कलर्स।
ओमेगा के हम पोस्टर कलर यूज़ कर रहे हैं, ये नंबर हमारे पास 2 है, लेमन येलो हमारे पास कलर है ओमेगा का, और जो हम रेड यूज़ करेंगे वो हमारे पास है कैरामाइन ओमेगा नंबर 5। साथ हम ले लेंगे ब्रशेस और इसको हम यूज़ करेंगे पानी के साथ, लाइट सा पानी आपने लगा के ब्रश के साथ तो आपने ये कलर करना है। अच्छी तरह से आप येलो कलर नीट तरीके से कर लें। अगर आप थिक कलर लगाएंगे तो जो पेपर है उसके ऊपर लाइंस आ जाएंगी और कलर नीट नहीं होगा, इस वजह से आपने नॉर्मल पानी लगाना है और नॉर्मल ही कलर लगा के अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर कलर करना है। इसके बाद हमने जो है वो कुछ इमोजीज ड्रॉ कर लिए, तो क्या आप अपने ये हमारे जो इमोजीज हैं ये आप देख सकते हैं, येलो कलर हम इन पे कर चुके हैं, येलो कलर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसकी जो आईज हैं और डिफरेंट शेप्स के जो हमने बनाए हैं, ठीक है, इनके हम कलर करेंगे। इसके आई में हम करेंगे रेड कलर। और साथ हम जो है वो ब्लैक कलर भी यूज़ करेंगे इनके आईज के लिए, आईब्रो के लिए। इमोजीज हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लीव योर फीडबैक इन द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।